वेलकम टू माई चैनल माई टाइम एंड माई रिव्यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट के बारे में। ये स्विफ्ट मारुति का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। ये है ZXR प्लस मॉडल है। आपको गाड़ी का एक ओवरव्यू दूंगा, ये पूरा अंदर से बाहर से पूरा एक ओवरव्यू दूंगा, क्या क्या फीचर है अंदर वो बताऊंगा, गाड़ी का सिटिंग कम्फर्ट के बारे में आपको बताऊंगा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आप ये वीडियो में बने रहना। हम 0 to 100 क्विक टेस्ट करेंगे। व्हील स्पिन आप देख सकते हैं गाड़ी का। ₹6,000 RPM पे 90 और 100, तो गाड़ी का चलाने के लिए 0 to 100 बहुत मस्त है। गाड़ी का कंट्रोल भी सही है। आपको ये पता है कि मारुति स्विफ्ट एक फन मशीन है। बहुत सारे एंथुजियास्ट जो है वो स्विफ्ट प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपको एक कम बजट में एक बहुत बहुत अच्छी गाड़ी मिलती है आपको। तो पिकअप के मामले में स्विफ्ट एकदम मस्त है, एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्टेयरिंग का फीडबैक, आप स्टेयरिंग का फीडबैक के बारे में बात करेंगे। बहुत ही लाइट फीडबैक है और क्विक, आप देख सकते हैं क्विक रिस्पांस है गाड़ी में। इसमें स्टेयरिंग में स्टेयरिंग रिस्पांस बहुत अच्छा है, लाइट है। जब ये गाड़ी चलती है ज़रा सा हार्ड हो जाती है, लेकिन रिस्पांस सही है स्टेयरिंग का। Subscribe to my channel, my time, my review for free and hit the bell icon to get the latest update. सबसे पहले हम बात करेंगे, ये टॉप मॉडल है तो इसमें प्रोजेक्टर सेटअप आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डे लाइट LED देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं नॉर्मल हैलोजन फॉग लैम्प्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रिल आप मारुति का देख सकते हैं, वो गाड़ी को बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है गाड़ी को। और आप ऊपर देखेंगे आप, दो यहाँ पे दो वॉशर भी है गाड़ी में, दो वाइपर के साथ दो वॉशर भी दिए हैं। अब साइड में आएंगे, आपको 15 इंच के अलॉयज देख सकते हैं। यहाँ पे 15 इंच के अलॉयज है। ये गाड़ी का टायर का साइज़ है 185/65R15 अपोलो के टायर से। गाड़ी में 15 इंच अलॉयज है, वो भी गाड़ी को बहुत एक अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है। आप यहाँ पे ORVM देख सकते हैं, यहाँ पे जो अंदर से फोल्ड होते हैं कंट्रोल है। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हैंडल ग्रिप है, यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे डोर वाइज़र आप यहां पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग दे रहा है गाड़ी पे। ये बैक ब्लैक फिनिश में आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे। और ये शेवलेट बीट जैसा यहां पे सेटअप है डोर ओपन करने के लिए पीछे साइड में, तो वो भी बहुत अच्छा नया ऐड किया है। पहले के स्विफ्ट में यहां पे आता था, और अभी जो लेटेस्ट स्विफ्ट है यहां पे आप अनलॉक करने के लिए दिया है मारुति ने। अब पीछे देख सकते हैं टेल लैम्प भी बहुत ही सुंदर सेटअप किया है टेल लैम्प का। बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक मिल रहा है गाड़ी को। और पीछे में आप स्विफ्ट का बैचिंग देख सकते हैं, यहाँ पे मारुति का S लोगो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 4 सेंसर दिए हैं, रिवर्स सेंसर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से ही आप बूट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बटन है, यहाँ पर प्रेस करके ही
अनलॉक ये करके आप ओपन कर सकते हैं। ये बटन है, यहाँ से लॉक अनलॉक होता है गाड़ी का। ये सीट मैंने मेरे हिसाब से पहले एडजस्ट की थी, मेरी हाइट है 5.6 फीट का हूँ मैं, और आप लेग्स बूट्स ये आप लेग स्पेस देख सकते हैं, बहुत सारा लेग स्पेस यहाँ पे मिल रहा है हमको, और हाइट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, मेरा सीट टच नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो सीटिंग के मामले में आप बोल सकते तो दो एडल्ट और एक छोटा बच्चा बीच में बैठ सकता है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हेडरेस्ट है यहाँ पे वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे एक डोर हैंडल भी मिलता है, तो बैठने के लिए स्विफ्ट बहुत सही है कि आप देख सकते हैं मेरे पैर कितने में फैला कर बैठ रहा हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा एक बूट स्पेस मिलता है। तो सिटिंग कंफर्ट में बहुत अच्छा है यहाँ पे, बैक पैसेंजर हैप्पी रहेंगे यहाँ पे ये कार में। चलो हम आगे जाके आपको आगे के फंक्शंस बताता हूँ गाड़ी में। यहाँ पे ऑटो कंट्रोल, एसी कंट्रोल्स है यहाँ पे, ठीक है, जो कंट्रोल्स है ऑटो कंट्रोल एसी है। और यहाँ पे यहाँ से आप माउंट्स देख सकते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम का माउंट्स कम नीचे करने के लिए, जो म्यूज़िक सिस्टम का साउंड है वो कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल दिए हैं। यहाँ पे कॉल रिसीव करने के लिए, म्यूट करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया है। और ये गाड़ी में सेफ्टी फीचर के बारे में बात करेंगे तो ये डुअल एयरबैग के साथ, फ्रंट डुअल एयरबैग्स के साथ आता है। यहाँ पे एक एयरबैग है और वहाँ पे एक एयरबैग है। ABS विद EBD आता है यहाँ पे, और सीट बेल्ट अलार्म भी है यहाँ पे, सीट बेल्ट अलार्म के साथ आता है। यहाँ पे आप ग्लोब बॉक्स देख सकते हैं, ये कोल्ड ग्लोब बॉक्स नहीं है, ये नॉर्मल सिंपल ग्लोब बॉक्स है। यहाँ पे आप बड़ा बॉटल, 1 लीटर का बॉटल आराम से रख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी में। IRVM देख सकते हैं यहाँ पे, जो डे नाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लाइट, नॉर्मल लाइट है यहाँ पे, ऐसे वैनिटी मिरर है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं वैनिटी मिरर नहीं मिलती है यहाँ पे। तो इनसे मार्च 2018 की गाड़ी है, और इसकी IDB वैल्यू अभी है 6,20,000 है, और इंश्योरेंस कॉस्ट कुछ 13,000 के आसपास है गाड़ी की। इंश्योरेंस कॉस्ट 6 लाख के लिए 13,000 के आसपास इंश्योरेंस कॉस्ट है। आप टचस्क्रीन भी देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे टचिंग का रिस्पांस भी अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। FM बहुत सही चलता है यहाँ पे, आप फटाफट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं। क्लस्टर देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी का, यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप एवरेज गाड़ी का देख सकते हैं, अभी तक कुछ 16 KMPL एवरेज दिखा रही है गाड़ी, वो ये गाड़ी के हिसाब से अच्छा एवरेज है, ऑन एन एवरेज। टाइम बता रहा है, कुछ गलत बता रहा है एक्चुअली वो। RPM मीटर आप देख सकते हैं गाड़ी का, स्पीडोमीटर आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, और गाड़ी का स्टेयरिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, मारुति का लोगो है। हॉर्न बहुत ही खूबसूरत हॉर्न है, ये फ्लैट स्टेयरिंग आपको यहाँ पे मिलती है। ड्राइविंग पोजीशन के बारे में आप बात करेंगे तो ड्राइविंग पोजीशन गाड़ी का बहुत अच्छा है, विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी मिलती है गाड़ी में। ओवरऑल गाड़ी चलाने के लिए बहुत अच्छी है। नॉइज आ रहा है अंदर केबिन के अंदर, लेकिन बहुत हल्का है। टायर और रोड का नॉइज आता है गाड़ी में, लेकिन बहुत कम आ रहा है। एसिंग कूलिंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ जैसे मैं कम कर रहा हूँ एसिंग, वैसा वो ब्लोअर का, एसी का ब्लोअर भी ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है। पता नहीं मुझे कि ये कैसे कंट्रोल करना, लेकिन जैसे मैं एसी कम कर रहा हूँ, मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा हूँ, वो ब्लोअर का भी फ्लो है वो कम हो रहा है यहाँ पे।
गाड़ी चलाने के लिए बहुत अच्छी है गाड़ी। मुझे एक कमेंट आया था कल के दिन में कि सर मैं वैगन आर CNG लू या स्विफ्ट बेस मॉडल LXI मॉडल लूँ और बाद में CNG फिट करूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप स्विफ्ट में जा सकते हो और आफ्टर मार्केट CNG बिठा सकते हो, क्योंकि स्विफ्ट का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वैगन आर से बहुत 10 गुना अच्छा है। तो आप स्विफ्ट लेके आफ्टर मार्केट CNG लगा सकते हो। ज़रा कॉस्ट आपको ज़रा सा ज़्यादा जाएंगे, लेकिन एक लॉन्ग रन में आपको एक अच्छी गाड़ी मिल रही है यहाँ पे और आपका एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। आपको गाड़ी की की दिखाता हूँ, ये की है गाड़ी का, यहाँ पे लॉक अनलॉक है, ये अनलॉक है, ये लॉक है यहाँ पे। गाड़ी का मैंने एक्चुअली जो ओनर है वो ज़रा शाई ओनर है, मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो में आने के लिए, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो गाड़ी का सर्विस कॉस्ट मैंने पूछा, गाड़ी का सर्विस कॉस्ट कुछ 7,000-7,500 रुपये है, ठीक है, और ये गाड़ी चली है कुछ 9,000 के पास आसपास चली है, ये 9,000 के आसपास चली है, और मैं गाड़ी ये कुछ चली नहीं है ज़्यादा, कुछ गाड़ी चली नहीं है, आप लुक से भी देख सकते हैं नया जैसा ही लुक है गाड़ी का, और ख़राब सड़कों में भी ये गाड़ी अच्छी चलती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पिकअप गाड़ी का बहुत सही है, पिकअप गाड़ी का बहुत मस्त मुझे लगा, और ख़राब रास्तों में भी चलाने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, बॉडी रोल नहीं है इतना, वैगन आर जैसा कुछ, वैगन आर लोग बोलते हैं कि गाड़ी में बॉडी रोल है, चलाने के लिए ज़रा डर लगता है, लेकिन ये गाड़ी बहुत स्टेडी है स्विफ्ट। कंक्लूजन पे आते, आप देखेंगे तो गाड़ी का लुक बहुत अच्छा है, गाड़ी का ये पेट्रोल इंजन है और ये सेगमेंट में आप देखेंगे तो ये बेस्ट आपको माइलेज देंगी, ड्राइविंग भी अच्छा है, कूलिंग सिटिंग कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप ये गाड़ी, आपका इसका सर्विस नेटवर्क भी बहुत मारुति का अच्छा है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी ये सेगमेंट में हम बोल सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून। Subscribe to my channel, My Time, My Review for free and hit the bell icon to get the latest update.